मैं मृत्यु लोक का यात्री हूँ। आज नहीं तो कल मुझे ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक छोड़कर जाना ही है। मैं जिस शरीर स्वरूपी नाव में विराजमान हूँ, ये छेद वाली नाव है। प्रति पल इस नाव में पानी भर रहा है। किसी भी क्षण ये शरीर मेरा साथ छोड़ सकता है, इसलिए सावधान। ये बात जरूर सच है कि शरीर का भविष्य, मृत्यु सुनिश्चित है। शरीर का भविष्य ना कभी मृत्यु से आगे गया है, ना ही कभी जाएगा। इसके साथ ये बात भी इतनी ही सच है कि मुझ में कुछ ऐसा है जिसका नाश संभव नहीं, जो सदा से है, सदा रहेगा। वो है मेरी आत्मा, मेरा अंतर अवकाश, मेरे भीतर की इंटरनल स्पेस। ये जीवन की सार्थकता उस दिन सिद्ध होती है जिस दिन मैं मेरी आत्मा को जान लेता हूँ, समझ लेता हूँ, पा लेता हूँ। आज का ये दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे, बशर्ते फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हाथों में, जो अब मुझे खोना नहीं है। हमारे जीवन की दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा के लिए किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को अगर हमने जिम्मेवार माना, तो हम कभी भी सत्य के रास्ते पर, धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन के दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे सामने खड़ी हुई व्यक्ति और आई हुई परिस्थिति आईने का काम करती है। हम हमारे भीतर से कितने स्वच्छ हुए, शुद्ध हुए, साफ हुए, ये हमारे सामने खड़ी हुई व्यक्ति और आई हुई परिस्थिति हमें दिखा देती है। हमारे भीतर अभी कितना अहंकार है, ईर्ष्या है, क्रोध है, घृणा है, तिरस्कार है, कामना है, वासना है, अज्ञान है, ये हमारे सामने खड़ी हुई व्यक्ति और आई हुई परिस्थिति हमें दिखा देती है। आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव के साथ जी सके, ऐसी मेरी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना।